Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Atharva Outrider, and today I have with me the 2020 Triumph Slit Triple RS and it is amazing. अगर आप कोई सुपर बाइक देख रहे हो मिडल रेंज में तो ये बाइक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सो मेन चेंजेस आए हैं हेडलाइट में, बग आई जो लुक था पहले बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया था, सो अभी कंपनी ने उसे और अग्रेसिव लुक दिया है एंड इट इज़ रियली अमेजिंग। इट कम्स विद ऑल न्यू टेल सेक्शन, टेल लैम्प सेम है, इट ऑल्सो कम्स विद ऑल न्यू TFT डिस्प्ले जिसके साथ आप ब्लूटूथ अगर कनेक्ट करते हो तो इट शोज यू टर्न बाय टर्न नेविगेशन, GoPro भी कनेक्ट कर सकते हो आप, और ये चीज़ बहुत ही यूनिक लगी है मुझे। इन अ स्मॉल TFT लाइक दिस आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो फ़ोन तो फ़ोन के साथ यू कैन सी द मैसेजेस, यू कैन सी योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, यू कैन रीड मैसेजेस ऑल्सो, एंड सीट हाइट इज़ वेरी वेरी गुड। सीट भी बहुत ही कम्फर्टेबल है अगर आप बैठते हो। जब नॉर्मली बहुत सारे सुपर बाइक्स में प्रॉब्लम ये होता है कि सीट हाइट बहुत ज़्यादा होती है और शॉर्ट राइडर्स को बहुत प्रॉब्लम होता है, सो इन दिस बाइक दैट इशू इज सॉल्व। 8.5 mm इज द सीट हाइट एंड आई एम 5'10" एंड आफ्टर टचिंग माई फीट डाउन स्टिल आई हैव सम रूम टू बेंड माई नी। सो आप देख सकते हो कि छोटे राइडर्स भी ईजीली राइड कर सकते हो, एंड ये बाइक ऐसी है, इट इज़ ऑल राउंडर बाइक बेसिकली। आप इसे सिटी पर भी राइड कर सकते हो और ट्रैक पे, तो दिस इज़ अ ट्रैक मशीन ऑल्सो। बहुत कम बाइक्स ऐसी होती है जो कैपेबल होती है ट्रैक, सिटी, रोड, हाईवे कहीं पर भी चलने लायक, एंड दिस इज़ अ ऑसम ऑप्शन इन द मिडल रेंज। इट ऑल्सो कम्स विथ अ ऑल न्यू एग्जॉस्ट सिस्टम, इट कम्स विथ अ डुअल कैटलेटिक कन्वर्टर फॉर मोर इजी फ्लो, एंड एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी मुझे यहाँ पर, जो ट्रैम्प की बैजिंग देखोगे आप कार्बन फाइबर टिप, वो बहुत ही अमेजिंग है। इट गिव्स यू दैट प्रीमियम फील विच ट्रायम वांट्स टू गिव इट टू यू। साउंड्स टू गुड, लेट्स हियर इट आउट। सो TFT कुछ इस तरह है, मोड्स हैं, यू गेट 5 राइडर मोड्स, दिस इज ऑन रेन मोड करेंटली, रेन, रोड, स्पोर्ट, ट्रैक, राइडर, एंड इन सारे मोड्स में ऑल्टर होता है आपका ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ABS, बहुत सारी चीज़ें हैं, पावर, थ्रॉटल रिस्पॉन्स एंड एवरीथिंग। राइडर मोड में आप बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो एक एक चीज़ आपके हिसाब से, एंड इट ऑल्सो कम्स विद Olins and Shiva suspension, Shiva right? Showa. So and they are totally adjustable. So आपके हिसाब से और road conditions के हिसाब से you can adjust them totally. क्या change नहीं हुआ है? Suspension and chassis change नहीं हुआ है, दोनों भी same है, बाकी बहुत सारे changes है। इंजन पर बहुत सारा काम किया है ट्रायम्फ ने इस बार, मिड रेंज में 9% मोर टॉर्क और पावर है। सो उसकी वजह से बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं परफॉर्मेंस के अंदर, एंड इट ऑल्सो कम्स विद द ब्रेम्बो M50s, द बेस्ट इन क्लास, एंड कम्स विद पिरेली डायब्लो सुपर कोर्सा V3s एंड MCS एडजस्टेबल लिवर्स। So braking is just awesome, throttle response is very good, build quality is on point and it is really amazing. जब आप बैठते हो, when you are pulling, the tank grip is very good, poor tank grip, you can
यू कैन होल्ड द टैंक विथ योर एल्बोज एंड लेग्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है आपको। manageable, heat is also manageable, जैसे कि मैंने कहा you can ride it in city with no issues at all. बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप सुपर बाइक खरीदते हो तो उसके साथ आप एक सिटी राइड के लिए भी दूसरी बाइक लेते हो, तो इस बाइक के केस में वैसा बिल्कुल भी नहीं है. यू कैन राइड इट ईजिली इन द सिटी एंड वेरी कम्फर्टेबल पोजिशन. सीट इज सो कम्फर्टेबल दैट यू कैन टूर एज वेल एंड इट इज रियली अमेजिंग. Talking about variants, this comes with the RS version only, and this color is called ice grey, I guess. Dusra color isme aata hai matte black with green stripes instead of this orange stripes. About pricing, this comes for 11.33 lakhs ex showroom, and if you register it in Maharashtra you will get it for 13.58 lakhs on road. And if you are looking for finance also, you can just pay 20%, which is 3.59 lakhs and own this beast. So that was all about the new Triumph Street Triple RS, and if you are genuinely looking for a bike in this segment, then this definitely should be in your list of options. And if you are from Pune, then do visit View Bhandari Triumph and check this out. And if you like this video at any point of time, so do like it, share it with your friends who are interested in Triumph, and subscribe to my channel for further videos, and I'll see you in the next video.